नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। तो आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी कार्य हैं वो पढ़ेंगे, इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो पढ़ेंगे, और उप प्रधानमंत्री जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उप प्रधानमंत्री कौन कौन से हुए हैं अपने समय में, और प्रधानमंत्री कौन कौन से हुए हैं अपने समय में उसकी भी चर्चा करेंगे, और उनमें विशेष क्या चीज़ें रही हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जो चीज़ें दे रखी हैं वो आर्टिकल 75 में दी गई हैं, उसको अलग से उसको देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग आर्टिकल की चर्चा करते हैं, आर्टिकल 53 की। इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं, आर्टिकल 53 में क्या चीज़ दी गई है इसको समझेंगे। कि आर्टिकल 53 दिया है कि संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। ये चीज़ इससे जुड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, मतलब कि जो आपकी वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है, और नाम मात्र की कार्यपालिका जो होती है, उन दोनों में डिफरेंस होता है यहाँ पर। तो वास्तविक कार्यपालिका का जो संबंध होता है वो प्रधानमंत्री से होता है, और नाम मात्र की कार्यपालिका का संबंध जो होता है राष्ट्रपति से होता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के नाम से ही भारत में सारे कार्य, जितने भी शासकीय कार्य होते हैं, वो सब मतलब कि राष्ट्रपति से के नाम से ही किए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब इसको बताने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि राष्ट्रपति दे रखा है आर्टिकल 53 में, और इनकी सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद होगी उसके संबंध में जानकारी दे रखी है आर्टिकल 75 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, आर्टिकल 75 में ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। अब उसको डिटेल में देखेंगे, आर्टिकल 75(1), 75(2), 75(3), 75(4), 75(5) जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं 75 से संबंधित, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखेंगे कि 75(1) में क्या दिया हुआ है। 75(1) में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है, और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। अब बचा, अब कैबिनेट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कैबिनेट में जो मंत्री होंगे और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति जो कौन करता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हुआ कि जो अन्य मंत्री होंगे वो मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत काम पद पर होते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक है। क्योंकि भले ही वो क्या करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्ति करता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है कि मंत्री, फिर दूसरे 75(2) में क्या देगा है? कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है ना। और पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये 75(3) में दे रखा है कि सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर फोर्थ में क्या है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ दिलाएगा, गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, ये दे रखा है आर्ट के 75(4) में ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आएगा आर्टिकल 5, इसमें क्या देखा है? कोई मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है, ध्यान देंगे, जो संसद का सदस्य नहीं है वो 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना चाहिए, अन्यथा वो मंत्री पद पर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो मंत्री पद से वो हटा दिया जाएगा अगर वो 6 माह के अंदर संसद का सदस्य नहीं हो जाता। तो संसद का सदस्य होना जरूरी होता है, अगर संसद का सदस्य नहीं है उसमें प्रधानमंत्री भी यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं और उनसे संबंधित जो विशेषताएं हैं वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर, जो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, यहाँ पर देखेंगे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्रित्व के काल पर रहे हैं। फिर देखेंगे दूसरे नंबर पर गुलजारीलाल नंदा, गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री रहे हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के
के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, ताशकंद में हुई थी। ठीक है, ठीक है, ताशकंद सोवियत संघ का हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इन्होंने दिया जय जवान जय किसान का नारा, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। आप लोग हमेशा इसको पढ़ते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन इनकी मृत्यु ताशकंद सोवियत संघ में हुई थी। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर पे इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के संबंध में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है कि पहली बार गठबंधन की सरकार गठन इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। तो गठबंधन की सरकार तो बाद में प्रचलन में आई, लेकिन प्रथम बार गठबंधन की सरकार कि जो स्थापित किया किसी ने, तो इंदिरा गांधी जी ने किया था, जो जिसको जिसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बाहर से सहयोग दिया था, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ने सहयोग दिया था कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है से संबंधित। ठीक है, इस परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि गठबंधन की सरकार प्रथम बार किसके कार्यकाल में बनी थी। ठीक है, फिर आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री थे, सबसे पहली बात। दूसरी, इनके बनने से ही पहली जो हुई थी प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि मोरारजी देसाई सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री थे और इनके बनने से ही पहली गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी, मतलब कांग्रेस सरकार में कांग्रेस में नहीं थे ये। ठीक है, उसके बाद देखेंगे छठा पॉइंट क्या है, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के संबंध में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में सदन का सामना इन्होंने कभी नहीं किया था इन्होंने, क्योंकि इसका मतलब ये होंगे कि काफ़ी कम समय तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सेवन्थ नंबर पे राजीव गांधी। राजीव गांधी के संबंध में क्या विशेषता है कि संसदीय इतिहास में लोकसभा के लिए सर्वाधिक सीट, लगभग 426 सीटें लाने वाले सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, सबसे कम और सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाले प्रधानमंत्री भी रहे हैं लोकसभा में। ठीक है, फिर देखेंगे आठवां बिंदु चंद्रशेखर के बारे में। चंद्रशेखर बताइए इनके समय में क्या विशेषता है, अपने जीवन में ना मंत्री बने और ना ही मुख्यमंत्री, मतलब बिना मंत्री बने और बिना मुख्यमंत्री बने सीधे प्रधानमंत्री बने, जो कि बलिया से लोकसभा के सांसद थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, फिर देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कि ये तीन बार पीएम बनने का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ था और जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का नारा इन्होंने इन्होंने ही जोड़ा था। ठीक है, तो ये देखा आपने प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री जो भी हुए हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो ये है, ये जरूर जानेंगे क्योंकि ये विशेषता है इनकी। ठीक है ना, तो ये विशेषता से परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। फिर देखेंगे मंत्रिपरिषद की बात कर ले, जो मंत्रिपरिषद होती है, जब हम कहते हैं कि हमारी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो इसका मतलब क्या क्या है, इसका मतलब कैबिनेट स्तर के जो भी मंत्री होंगे उनको शामिल किया जाएगा, वो मंत्रिमंडल कहलाएगा। फिर दूसरे नंबर पर क्या होगा, राज्य स्तर के जितने मंत्री होंगे जिनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है, ठीक है ना, वो भी शामिल हो, और उपमंत्री होते हैं जो राज्य स्तर के मंत्री, जो उपमंत्री होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की क्या कहते हैं, मदद करते हैं, ये बहुत ज़रूरी जानना है आपको। ठीक है, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता है, हमेशा देखेंगे, चाहे वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, तथा उसकी सहायता के लिए राज्य स्तर तथा उपमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ये महत्वपूर्ण है। फिर देखेंगे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद जो मंत्री होती है उनको गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, और वो प्रधानमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है पूरी सरकार का, है ना, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। अन्य बिंदु क्या है, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। फिर देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना धारण करते हैं, तो देखेंगे वही चीज़ है कि भले ही वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है तो राष्ट्रपति के प्रति ही क्या होंगे, उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से, और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। फिर देखते अन्य बिंदु, मंत्रिपरिषद यदि राज्यसभा में पराजित हो जाए तो, अब यहाँ देखिए महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोग जानते हैं कि अगर मंत्रिपरिषद का
कोई भी सदस्य अगर पद त्याग दे दे कैबिनेट मंत्री में, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दें या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है कि वो तुरंत ही मंत्रिपरिषद क्या होगी, भंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये तो लोकसभा की बात होती है और लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी आ जाए तब भी मंत्रिपरिषद अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। लेकिन लेकिन अब यही चीज़ हम तुलना करेंगे कि मंत्रिपरिषद यदि राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा, तो अगर राज्यसभा में पराजित हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। फिर देखेंगे संसद का सदस्य नहीं होने पर भी मंत्री संसद की कार्यवाही में भाग ले, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी वो कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है, लेकिन मतदान करने का अधिकारी वह नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट है जानना। फिर देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर उप प्रधानमंत्री, तो देखेंगे उप प्रधानमंत्री संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी आर्टिकल में संविधान के अंतर्गत नहीं है, ठीक है ना। उप प्रधानमंत्री का पद जो होता है सरकार अपने हिसाब से इसको नियुक्त करती है, अपने उप प्रधानमंत्री को, ठीक है ना, अपनी मदद के लिए इसको नियुक्त करती है। हालांकि वो अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं जो प्रधानमंत्री के होते हैं। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु भी हो जाए तब भी उप प्रधानमंत्री जो था प्रधानमंत्री के पद पर आसीन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो उप प्रधानमंत्री मदद जरूर करता है लेकिन इसका संविधान में किसी प्रकार के अटके से इसको जोड़ा नहीं गया है, ठीक है ना। जैसे उप मुख्यमंत्री स्टेट में उप मुख्यमंत्री होता है वैसे उप प्रधानमंत्री भी। तो उप प्रधानमंत्री से भी प्रश्न आते हैं कि कौन कौन से उप प्रधानमंत्री हुए हैं और किसके शासनकाल में हुए हैं। तो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, मोरारजी देसाई भी रह चुके हैं इंदिरा गांधी के समय में, जगजीवन राम भी रह चुके हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे जगजीवन राम भी रह चुके हैं मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, चरण सिंह भी रह चुके हैं मोरारजी देसाई के समय में ही, वाई वी चौहान भी रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह के समय में, ठीक है, और चौधरी देवीलाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चौधरी देवीलाल विश्वनाथ प्रताप सिंह के या चंद्रशेखर के समय, दोनों लोग के समय में वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल अटल बिहारी वाजपेयी शासनकाल में उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है और इस उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद से जोड़ के देखना है आपको कि कौन सा उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के मतलब कि समकक्ष रहा है, उनके शासनकाल में रहा है, तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें जो समझने के लिए थी वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। तो फैक्ट के रूप में भारत को प्रधानमंत्री की क्या विशेषताएँ रही हैं, किन किन प्रधानमंत्री की विशेषताएँ क्या रही, ये आपको याद करना है। और कौन से प्रधानमंत्री किसके समय में है वो भी आपको याद करना है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप हल्के मत लीजिएगा, ठीक है ना। चीज़ों को आर्टिकल के साथ और क्या क्या चीज़ें किसमें दे रखी हैं समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में बदलाव हो रहा है और चीज़ें फैक्ट के रूप में भी काफ़ी पूछी जाने लगी हैं, ठीक है ना, इसलिए याद जरूर करें इसको। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।